ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। लोगों का ये गुस्सा चीनी सामान को लेकर है। लोगों का मानना है कि चीन हमारा ही खाता है और ऊपर से हमारे ऊपर ही घुर्राता है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के पौश इलाके मधुविहार की बालको मार्केट में निगम पार्षद अपर्णा गोयल की अगुवाई में भारी संख्या में एकजुट होकर लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात कही। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और सभी लोगों ने मिलकर चीन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए लोगों ने चीनी सामान को जमीन पर रखकर गाड़ी से उसे रौंदा और हाथों से भी सामान को तोड़ते नजर आए। लोगों का कहना था कि चाइना हमारे देश से व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाता है और उसी पैसे का इस्तेमाल कर हमारी सेना को आंख दिखाता है, और ये चीन हमारा पैसा लेता है, बंदूकों में गोलियां भरता है और सरहद में सैनिकों को मारता है। ऐसे चीन की हम अवहेलना करते हैं, ऐसे चीनी सामानों को हम बहिष्कार करने का प्रण ले चुके हैं कि आज के बाद हम चीन का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। चाइना दो मुखा जो सरहद में कुछ और बोलता है, सिपाहियों को और देश के लिए धमकी देता है और वहीं अपना माल बेचने हिंदुस्तान के पास आता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये एक ही नमूना है, बहुत छोटा नमूना है, अभी तो ये एक छोटी सी आवाज़ है। ये मुहिम पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में जाएगी, क्योंकि चाइना का एक एक सामान देश में बैन कर दिया जाएगा और अपने देश में ही बेरोजगारी को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली दर्पण के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर